हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जो हमारे शरीर में ब्लड को रिजर्व रखता है जब हमें जरूरत पड़ती है। जब हमारा खून बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो तुरंत ही इसे नसों में बहाकर ये हमारे शरीर में खून की पूर्ति करता है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो उससे लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में टी सेल या बी सेल की आवश्यकता होती है उसे एक्टिवेट करने का काम और उन्हें स्टोर करके रखने का काम भी ये स्पेशल अंग ही करता है, जिसका नाम है स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं। बिना समय गवाए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये प्लीहा यानी स्प्लीन काम कैसे करता है, ये बना कैसे होता है और ये हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, स्प्लीन एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे डायाफ्राम के नीचे बिल्कुल बाई ओर पसलियों के अंदर रहता है। ये स्टमक के पीछे की ओर रहता है और ये लंबाई में 5 इंच, चौड़ाई में 4 इंच और 1 इंच थिक होता है। स्प्लीन गाढ़े पर्पल रंग का होता है। वजन की बात करें तो ये 150 ग्राम तक का होता है। देखिए, स्प्लीन के अंदर दो ब्लड वेसल्स आई होती हैं। एक होता है स्प्लेनिक आर्टरी जो स्प्लीन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और एक होता है स्प्लेनिक वीन जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्लीन से बाहर की ओर निकलता है। जब आप स्प्लीन के अंदर जाके देखते हो तो आप देखते हो कि स्प्लीन कई सारे कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, बिल्कुल फूल की पत्तियों की तरह, जिसे ट्रबैक्यूले कहते हैं। इन ट्रबैक्यूल से स्प्लीन में अंदर की ओर आई आर्टरी और वीन्स की ब्लड कैपिलरीज फैली रहती हैं। देखिए, जब स्प्लीन के अंदर ये आर्टरी और वीन के पतले पतले ब्लड कैपिलरी फैल जाती हैं तो इनके चारों ओर कुछ स्पेशल लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो स्प्लीन के वर्किंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारे शरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, स्प्लीन में ये आर्टेरियोल्स के चारों ओर जो लिम्फोइड टिश्यू घिरा रहता है उसे व्हाइट पल्प कहते हैं, जो शरीर में इम्यून सेल्स जैसे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन और उनके स्टोरेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन में ये कुल टिश्यू का 25% होता है। वही वीन्स के ब्लड कैपिलरी के चारों ओर जो लिम्फोइड टिश्यू घिरे रहते हैं उसे रेड पल्प कहते हैं, जो कि अनहेल्दी ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके उन्हें डेड कर देता है और उन्हें तोड़कर बिलीरुबिन और आयरन को अलग अलग कर देता है। ये स्प्लीन में 75% तक होता है। चलिए, आप ये तो समझ गए कि स्प्लीन के अंदर दो प्रमुख लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, वो है रेड पल्प और व्हाइट पल्प। यही दो चीज स्प्लीन में काम करते हैं और इम्यूनिटी और ब्लड के स्टोरेज में मदद करते हैं। अब देखिए, जैसे ही स्प्लीन में आर्टरी के थ्रू खून आता है तो इन आर्टरियोल्स के चारों ओर जो व्हाइट पल्प घिरा रहता है वो व्हाइट पल्प बने होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट से। देखिए, जैसे ही शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन आता है, वायरस वगैरह, जिसे शरीर की नॉर्मल सेल्स मार नहीं पाती है, तब हमारे ब्लड स्ट्रीम में उस वायरस के प्रति डेंड्रिटिक सेल एंटीजन लेकर आते हैं और व्हाइट पल्प में मौजूद टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं और यही टी लिम्फोसाइट्स व्हाइट पल्प के फॉलिकल में मौजूद बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देते हैं और यही बी लिम्फोसाइट ब्लड के प्लाज्मा में जाकर वायरस के प्रति एंटीबॉडी बना लेता है जो शरीर में उस वायरस को खत्म कर देता है। साथ ही साथ उस वायरस के प्रति अडैप्टिव इम्यूनिटी को मेमोराइज भी कर लेता है कि भविष्य में जब भी वो वायरस हमारे शरीर में आए तो वो बी लिम्फोसाइट उस वायरस को मार दे। अब देखिए, स्प्लीन के अंदर जो वीन्स आती हैं उनके चारों ओर रेड पल्प घिरे रहते हैं। ये रेड पल्प किससे बने होते हैं? ये रेड पल्प मेनली मैक्रोफेजेस से बने रहते हैं। देखिए, जहां पर आर्टरीज और वीन्स आपस में जुड़कर ब्लड सर्कुलेशन करते हैं वहां से जब आप इन छोटी छोटी वीन्स की कैपिलरीज को देखोगे तो आप पाओगे कि इनके बीच कुछ स्लिट्स बने रहते हैं जहां से इस स्लिट्स के अंदर से रेड ब्लड सेल्स पास होकर वीन्स में चली जाती हैं। देखिए, जब कोई रेड ब्लड सेल्स अपना पूरा जीवन जी लेता है 120 दिन तो वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब ये डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स वीनस साइनस स्लिट से होकर गुजरना चाहती है तो चूंकि वो डैमेज हो चुकी है इसलिए वो उस स्लिट के अंदर से वीन में पहुंच नहीं पाती है। ये डिटेक्ट करके रेड पल्प के मैक्रोफेजेस इन्हें फैगोसाइट कर देते हैं और फैगोसाइट करके इन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो कि मेनली आयरन से बना रहता है, तो इन रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके स्प्लीन आयरन को तो अपने अंदर स्टोर कर लेता है और बाकी के जो प्रोटीन होते हैं और बिलीरुबिन उनको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाकर लिवर के थ्रू बाइल जूस बनाने में अपना रोल प्ले करता है। इस तरह से स्प्लीन में रेड पल्प रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करने का काम करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है जो डैमेज हो चुके हैं। तो अब आप ये बात समझ ही गए होंगे कि स्प्लीन का रोल शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखना है और दूसरा शरीर में ब्लड को स्टोर करके भी रखना है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेकिन बहुत ही जरूरी, और पुराने अनहेल्दी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना भी है। साथ ही साथ आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि
शरीर में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स में से 1/3 ये स्प्लीन ही स्टोर करके रखता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।